अब हम कब बनाएंगे अपनी रोस्टेड वेजिटेबल, तो उसके लिए मैंने जो लोकल वेजिटेबल्स मेरे को मिल गए मैं वो यहाँ पे, जैसे क्या क्या वेजिटेबल्स है इसके अंदर, इसमें शिमला मिर्च है, शकरकंदी है, शकरकंदी यानी कि स्वीट पोटैटोस, अपनी गोभी, गोभी घर पे आप बना रहे हो तो आप ये गोभी के साथ साथ आप वो भी डाल सकते हैं, हमारी वो आती है ना ब्रोकली, ठीक है, टमाटर हो गए, प्याज ले ली है, और मैंने यहाँ पे लोकली मेरे को मशरूम मिल गया था तो वो भी ले ली है, मोर देन इनफ है, ठीक है। इसके अलावा आपको जो चाहिए वो डाल सकते, तो अब इसमें हम डालेंगे फिर से वही दही डालेंगे, अपना दही डाल दो, अगेन बहुत है, ठीक है, अगेन इतना डालना है कि कवर हो जाए ढंग से, कश्मीरी मिर्च डालेंगे, भर दो, कश्मीरी मिर्च में कंजूसी नहीं, बात बहुत है, ठीक है, कश्मीरी मिर्च होगी हमारे पास, लाल मिर्च संभाल के डालो, लाल मिर्च बहुत है लास्ट पास, अब बस अगेन पूरा डाल दो जो भी है, धनिया पूरा डाल दो, बैकग्राउंड म्यूजिक ने अलग समा बांध रखा है यहाँ पे हमारे, ठीक है, तो धनिया ये हो गया धनिया, अब इसमें हम फिर से डालेंगे अपने हमारा अदरक लहसुन जो बच गया था वो अदरक, और हम डालेंगे यहाँ पे अपना मिर्ची का पेस्ट, ठीक है। देखो पनीर हो गया, चिकन हो गया, और सोयाबीन चाप वगैरह ये सब तो हर कोई रोस्ट करके आपको मिल जाएगा, हर कोई बनाता है, ठीक है, बट ना सब्जी रोस्ट बहुत कम लोग बनाते हैं, बट सब्जी रोस्ट जो रोस्टेड वेजिटेबल्स होता है ना उसका भी एक अलग ही टेस्ट आता है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक बार जरूर कभी ट्राई करना, मेरे तो चिकन से ज्यादा ना इसकी अच्छी लग रही है ना, आप देखो बिल्कुल, ये हमारा मैरिनेशन बढ़िया हो गया, मिक्स हो गया सब कुछ, अब हम इसी में ऊपर से मैं यहाँ पे पनीर भी डाल रहा हूँ, डाल दिया लगभग आधा किलो पनीर लिया हमने यहाँ पे ये, ठीक है, और इसको भी हम बिल्कुल हल्के हाथों से, पहले मैंने सब्जी इसीलिए डाला था क्योंकि सब्जियाँ थोड़ी हार्ड होती है, बट पनीर लाइट होता है, पनीर को बिल्कुल हल्के हाथों से हम यहाँ पे इसके साथ मिक्स कर लेंगे ताकि पनीर के ऊपर भी हमारा मसाला अच्छे से लग जाए। सबसे आसान बढ़िया सी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, इसको लो और ऐसे करके पूरा का पूरा मिक्स कर लो, ना आपका पनीर टूटेगा ना आपकी कोई और सब्जी टूटेगी, देख रहे हो गया ना सब कुछ मिक्स, क्यों राहुल बिल्कुल बिल्कुल ना बोलता ना टेक्निक है ना भाई के पास, हो गया। इसको आपको मैरिनेट करने के बाद मुश्किल से 15-20 हद से 30 मिनट रख लो, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मसाला इतना बढ़िया है इसका, और इसके बाद सीधा आग पे चढ़ा दो उसको और पकाओ, नींबू लगाओ, जो मसाला आपको ठीक लग रहा है चाट मसाला लगाओ, मक्खन अखंड डालना वो डालो और बस। तो ये हो गई हमारी प्रिपरेशन सब चीज़ की तैयार, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट जगह पे जहाँ पे हमने आग अपना बना रखा है, इंतजाम कर रखा है। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे शो में जिसका नाम है लाइव दोगुना, मैं हूँ रवि, ये है राहुल। तो अभी भी हमारी जर्नी अभी भी चल रही है, तो अब हम नया रिव्यू करने वाले हैं आज अगेन, कल हमने चिकन का इंतजाम किया था, आज हमने किया है पनीर का इंतजाम, ठीक है, क्योंकि हमारे वेजिटेरियन जो दोस्त है ना जो वेजिटेरियन खाना पसंद करते हैं एक अच्छी विस्की स्कॉच या फिर रम के साथ, तो आज उनके लिए हम वेजिस्ट ले गए हैं, ये यहाँ पे जो भी सब्जियां हैं उनको हम साइड में डालेंगे, बिल्कुल आगे नहीं डालेंगे वरना सब भून के राख हो जाएंगी, पनीर थोड़ा सा टमाटर भी है वहाँ पे झाड़ियों में छुपा हुआ, एक कुत्ता भी है वही देख रहा है जब से हमें क्या चल रहा है, बोटी का इंतजार है, ठीक है, आज बेटा बोटी कुछ भी नहीं है, आज सारा वेज है, देख रहे हो ये पनीर पनीर पनीर, उसे लगा फर्स्ट डे बोटी पार्टी हो गई मेरी, आज भी पार्टी है, और ये हमारा हिसाब किताब हमने लगा लिया है, अब इसको देखो ज्यादा टाइम लगेगा नहीं बनने में, तो हमें यहाँ पे थोड़ी सी तेजी दिखानी पड़ेगी, तेजी क्या है कि मक्खन लेंगे, मतलब बैच का तो ये सीन होता है कि उस पे गया और पका, नॉनवेज में थोड़ा टाइम लगता है, और ये फुल न्यूट्रिशियस वाली इसने आज बनाया है रवि ने, बिल्कुल खाना ऐसा होना चाहिए जो मजा आए, तो जैसे कि देख रहे हैं बहुत ही बढ़िया टेक्सचर आ गया है, पनीर अच्छे से पक चुका है,
दिखाता हूँ मैं आपको थोड़ा सा, देख रहे हो बढ़िया मज़ेदार। अब हम इनको कलेक्ट करेंगे अपने बॉल में। बॉल आपको थोड़ा गंदा सा लग रहा हो क्योंकि हम पहले से खा रहे हैं। ये लिया, अगेन मक्खन लेंगे हम। थोड़ा मसाला और डाल दिया, मसाला कुछ ज़्यादा। लाओ प्लेट लाओ। तो ये हो गया हमारा, हाथ लगाएंगे नीचे, हमारा ये हो गया हमारे रोस्टेड वेजिटेबल्स एंड पनीर। कैसा लग रहा है दोस्तों, कैसा लग रहा है? ये लग रहा है खा के बताऊंगा। खा के बताएगा? हाँ तो खा ले, वेट किसका करता है? हल्का सा पनीर लूँगा पहले। मैं लूँगा मशरूम से स्टार्ट करूँगा, ठीक है? बढ़िया 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 बढ़िया। इनकी बेसिंग के लिए ना मैंने मक्खन की जगह हल्का सा ना सरसों का तेल मक्खन के साथ मिक्स कर लिया था। एक ये चीज है ना, क्या ये? ये है शकरकंद, स्वीट पटेट। ओ भाई मजेदार, देखो देखो मैं बता रहा हूँ, भुना तू पनीर भूल जाएगा भाई। भुना स्वीट पटेटो आप खाओगे ना तू पनीर भूल जाएगा। क्या है? भुना स्वीट पोटैटो एक ऐसा अपने आप में एक डेलिकेसी है वो भाई। कितनी हेल्दी भाई बना दिया ना इसने, इसके अंदर हर चीज का मजा आ रहा है। अजी यार क्या भाई, हां पनीर देख रहे हो क्या बढ़िया पका। ये ना चार मार्क्स आने चाहिए जब आप बारबी कर रहे हो, अगर नहीं आ रहे ना तो ठीक से नहीं हो रहा वो। और ये भी नहीं है कि आपने बिल्कुल भून ही दिया, साइड में रख के आने चाहिए। मतलब जो वेजिटेरियन है ना वो बिल्कुल भी वो नहीं होंगे, डिसअपॉइंट नहीं होंगे इससे लेके ना भाई, वो खुशी होने वाले हैं भाई। खाने का तो वही नहीं हो रहा कि छोड़ दिया जाए, बट रिव्यू आगे बढ़ाना। निकालो कौन सी ब्रांड निकालो, पहले साइड रखो। एक बार फिर आप ग्लास के साथ हाजिर हैं, हम तैयार हैं, आप लेके आओ अपना ब्रेड। तो आज हम लेके आए हैं एक स्पेशल लिमिटेड एडिशन पैक, जो कि हमारे दोस्त अजय हैं, उनके जीजी ने हमें गिफ्ट करा है भाई। नई जगह पे जाने का ये फायदा हो जाता है, नए नए लोग मिलते हैं। अरे मजे, ऐसे लोग हमें मिलते रहे और गिफ्ट करते रहे, ऐसे गिफ्ट तो भाई हमें दिल से पसंद आते हैं। मतलब क्या ही होता है, कारवा बढ़ाओ। चलो वो लिमिटेड एडिशन पैक के आपको दिखा देता हूँ। ये ब्लेंडर पैक एक लिमिटेड एडिशन पैक आया था, यही उन्होंने हमें गिफ्ट करा है रिव्यू के लिए। तो चलिए टाइम ना गवाते हुए ब्लेंडर प्राइड एक्सक्लूसिव प्रीमियम विस्की लिमिटेड एडिशन पैक, इसका हम रिव्यू करने वाले हैं। रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो ये रिजर्व नहीं है ना, जो हमने पहले किया था? ये नहीं, रिजर्व का रिव्यू हम आपको पहले बता चुके हैं, आप देख सकते हैं उसका रिव्यू का पैक। पूरी हिस्ट्री जो ब्लेंडर प्राइड की है, कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे हुई, वो पूरी हम दे चुके हैं। वो तो ऑलरेडी हम उसमें हिस्ट्री का सब कुछ बता चुके हैं, तो दोबारा से सारी चीजें रिपीट नहीं करेंगे। थोड़ा सा बता देता हूँ कि पर्णू रिका इसका पेरेंट कंपनी इंडिया में पर्णू रिका के अंडर बन रही है, सीग्रम की कंपनी है, ठीक है। और पर्णू रिकार्ड आई गेस आज के टाइम पे सेकंड नंबर पे लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। 1991-1995 में ब्रांड लॉन्च हुआ था, ठीक है ना, बस इतना ही है। तो अभी बाकी स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर आपको ब्लेंडर प्राइड की फैमिली की प्रॉपर डिटेल्स चाहिए हो, तो कहाँ से बर्थ हुआ है, क्या हुआ है, तो आप हमारा ब्लेंडर प्राइड रिजर्व का वीडियो देखो, सब मिलेगा उसमें, सब कुछ मिलेगा, एक नया चकना भी मिलेगा। तो चलो 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 जल्दी बिना देर किए, भूल गया नहीं नहीं ओहो क्या साउंड आ रहा है, वाह वाह वाह। तुम बावन का डालो चाहे छत्तीस का डालो, हमें फर्क नहीं पड़ता, आज हम रिव्यू करके मानेंगे। चल भाई तो ये दो बढ़िया वाले लवली लवली पैक हमारे बना के तैयार कर दे रहा हूँ। रवि जो क्या है ना, जो ब्लेंडर प्राइड की ना जो छोटी वाली ये बोतल होती है ना, मेरे को बड़ी बोतल से ज्यादा खिलती है, और ब्लेंडर प्राइड की मेरे को बोतल हमेशा से अच्छी लगती थी यार। इनकी बोतल ना काफी ज्यादा उससे शिवाज रीगल की बोतल से बहुत रिजेंबल करती है। मतलब कि उसका रीजन भी आपको बताया था कि शिवाज रीगल जो डिस्टिलरी है, ठीक है, उन्हीं का जो ब्लेंड ये लोग यूज करके ये ब्लेंड बनाते हैं। चलो भाई नोजिंग पे आ जाते हैं सबसे पहले, ठीक है।
स्मेल इसकी जो लूजिंग है मतलब नोज पे काफी बिल्कुल भी हैवी नहीं है, बट ना स्पाइसेस इसमें आपको पता चलेंगे, हल्के फ्रूटी नोट आ रहे हैं, मतलब फ्रूटी नोट और स्पाइसेस, कैरमल का एक हल्का सा नोजिंग में आ रहा है जो होता है, पी के देखते हैं क्या पता उसमें भी रहे, ठीक है ना। चलो ओकेनेस, देखो आई बी अपफ्रंट, इंडियन ब्रांड है तो अब इतना ज्यादा प्रीमियम भी नहीं है, ठीक है, तो आपको अल्कोहल बर्न फील होगा माउथ में, अच्छा खासा बर्न होगा, बट ये वैसा बर्न नहीं है कि आपका मुंह बिल्कुल कड़वा कर दे, बिल्कुल टेस्ट खराब कर दे, नहीं, मतलब एक अच्छा माउथ फील है इसका, ठीक ठाक माउथ फील है इंडियन के हिसाब से कंपेयर किया जाए तो। और जैसे कि आपको पता है न्यूट्रल स्पिरिट थोड़ा बहुत ये लोग यूज करते ही हैं, आई थिंक ये देखो जरा इस वाले में तो करते ही है, मेरे ख्याल से बॉक्स से रवित्र को ज्यादा मानना पड़ेगा। इंग्रेडिएंट्स में यहाँ पे लिखा हुआ है डीमिनरलाइज्ड वाटर, ग्रे न्यूट्रल स्पिरिट और स्कॉच माल्ट वगैरह। स्कॉच माल्ट में जो मैंने कि आपको बताया था पहले कि जो शिवाज रिगल की जो डिस्ट्रीरी है ये लोग वहाँ से स्कॉच के माल्ट मंगाते हैं, ठीक है, और उसको यूज करते हैं, तो इस वजह से इसका टेस्ट आपको अगर आप शिवाज रिगल आपने पी है तो काफी फेमिलियर भी लगेगी और काफी स्मूथ भी लगेगी कंपेयर टू बाकी इंडियन ब्रांड्स। ये राहुल बिल्कुल है ना, तो राहुल भाई चलो नॉर्मल टेस्टिंग तो कर ली हमने, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले और बताता हूँ आपको, जो रिजर्व का हमने टेस्ट किया था, रिजर्व काफी स्मूथ है, ये स्मूथ नहीं है, ये आपको थोड़ा सा माउथ में फील देगी, है ना राहुल, ठीक है, मतलब थोड़ी हार्ड दिखती है, थोड़ी मैं कहता हूँ ब्लेंडर प्रेड की जो कस्टमर्स है ना जो उसके फैन है ये अलग ही है, ये किसी और विस्की पे जाते ही नहीं है, चाहे इनको सिग्नेचर पिला दो, चाहे कुछ भी पिला दो, चाहे इनको ओक स्मिथ पिला दो, कुछ भी पिला दो, ये ब्लेंड इनको चाहिए तो क्या ब्लेंडर प्राइड ही चाहिए, मतलब उसका रीजन भी है जो इन्होंने अपने दो वेरिएंट निकाले, एक रिजर्व और एक ये वाला, ये जिनको ना माउथ फील चाहिए होता है ना, जिनको थोड़ा सा टेस्ट चाहिए होता है कि पता चले कि मिस्की है माउथ में, उनके लिए ये है, और जिसको थोड़ा स्कॉच जैसा थोड़ा सा आपके साथ चाहिए, थोड़ी स्मूथ हो बढ़िया, उनके लिए रिजर्व। और जब से इन्होंने ये दो वेरिएंट निकाले, पहले ये निकाला था, ये इतनी हिट पे चल गए ना कि मतलब बीपी तो इज लाइक कि जैसे हमने पहले बताया था प्रीमियम क्लास में, इसीलिए काउंट करते हैं इसको कि अगर बंदा थोड़ा सा उठ के ले रहा है ना, कुछ अलग से ले रहा है, कुछ पार्टी वार्टी में मंगा रहा तो बीपी मंगा रहा है ना, बीपी मतलब चलती है पार्टीज में भी, मतलब नॉर्मल पार्टीज में भी, एक जो कॉमन मैन होता है ना वो बीपी भी यूज करते करता है पार्टी में, क्योंकि हर किसी की एक तरह से फेवरेट ड्रिंक हो चुके हैं इंडिया में, ये एक ना पैलेट मैट कर जाता है हर किसी, बिल्कुल है ना। चलो अब इसमें पानी माल ट्राई करें, थोड़ा वाटर ऐड करते हैं, थोड़ा देखते हैं टेस्ट में क्या फर्क पड़ रहा है, अरोमा और अच्छे निकल के आ रहे हैं, मतलब बहुत अच्छे फ्रूटी नोट, मतलब अब मालूम पड़ रहे हैं, मतलब ठीक है, जो अच्छा जो, लग रहा है अब, है ना, जो नोट दबे हुए थे वो भी आ गए निकल के, अब आपको नोज पे भी आप फील कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल स्मूथ हो गई है, लेकिन जो एक ब्लेंडर प्लान का आइडिया है ना कि हल्की सी हार्डनेस होनी चाहिए बैक, पैक पीने के बाद थोड़ा सा थोड़ा सा फील होगा बैक में, मालूम पड़ना चाहिए कि हमने ब्लेंडर प्रेड पिया तो वाला एक फील आ रहा है, मतलब इसमें लग रहा है कि ब्लेंडर प्रेड पी आप लोगों ने, थोड़ा सा वुडी ओकीनेस जो होता है ना थोड़ा सा मेरे को इसमें फील हो रहा है, और कैरमल और जो स्पाइसेस वगैरह जो आपने रिजर्व अगर पी हो काफी उसका जैसा हो गया, अब इसका टेस्ट जैसे नॉर्मल आप नीट रिजर्व पी होगी और इसका थोड़ा पानी मिला, और मैं कहूंगा कि एक मजेदार विस्की है, मतलब कि कॉमन मैन के लिए है ना, तो उसको एंजॉय कर सकते हैं वो अपने अच्छे से मिल के साथ, प्लस जो इसका प्राइस जो है ना मेरे ख्याल से दिल्ली में ये 750 की बोतल आती है, 750 से 800 के बीच की है, जो अब अगर आप रिजर्व लेंगे तो 950 के करीब आपको है ना, बिल्कुल तो वो 100-150 रुपए का फर्क आता है दिल्ली और यूपी की, और एक अच्छी अगर आपको विस्की चाहिए एंजॉय करनी है तो मेरे ख्याल से 800 रुपए के लिए चाहिए, है ना, और ये वर्थ इट है, अगर आप 700 रुपए दिल्ली के हिसाब से बता रहा हूँ, 750-700 रुपए अगर आप इस पे डाल रहे हो ना तो वो पैसा वेस्ट नहीं है, वैसे तो अब और अच्छे ब्रांड आ चुके हैं खासतौर से जब से ओक स्मिथ आया है मार्केट में, क्यों भाई राहुल, मतलब ओक स्मिथ तो मैं कहूंगा सिल्वर खासतौर से, मैं कहूंगा कि थोड़े दिनों में ना वो पार्टी वो मार्केट कवर करेगा, ओक स्मिथ सिल्वर जो है ना वो इसको बीट कर सकता है, इजिली बीट कर सकता है, दो रीजन से, एक तो उसका खुद का अच्छा टेस्ट है भी, साथ ही उसका प्राइस भी इसके मुकाबले कम, और ओक स्मिथ गोल्ड का भी हम जल्दी आपके पास रिव्यू लेके आने वाले हैं, थोड़े दिनों में आपको उसका भी रिव्यू मिल जाएगा, ओक स्मिथ अगर सिल्वर का रिव्यू चाहिए तो आप हमारे आइकॉन पर जाके क्लिक करिए, उसका रिव्यू आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो राहुल और कुछ है क्या इसके बारे में बताना,
बस कुछ नहीं, अपने फ्रेंड के साथ बिस्किट एंजॉय करिए। रवि हमेशा से कहता है डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, ड्रिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसको फॉलो करिए, साथ में फॉलो करिए हमारी भी बातें, जैसे हम कहते हैं हमारे चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, वो भी एक तरह से इम्पोर्टेंट है कि तो आपको नए नए बिस्किट के रिव्यू और साथ में एक वंडरफुल रेसिपीज जो आपको अच्छा प्रोटीन देगी, एक आपको स्कॉच बिस्की या आपको एक अच्छा रम के साथ जो कॉम्बिनेशन बनाएगी ना, जो रवि के स्पेशल जो रेसिपीज होती है वो भी आप फॉलो करते रहिए। साथ में साथ हम आने वाले दिनों में भी हम रेसिपीज में भी कुछ एडिशन करने वाले हैं, डिस्कस कर रहे हैं इस चीज़ के बारे में कि आपको जो हमारे जो चकना जो होता है, इसको आम भाषा में चकना कहते हैं, आपको फ़ायदा कैसे देने वाला है, तो हम उस पर भी आने वाले हैं। तो धीरे धीरे हम उस पर भी वीडियोज़ बनाएंगे, तो वो भी आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय करोगे। तो फ्यूचर प्लान बहुत सारे हैं, मतलब आप धीरे धीरे देखो, जैसे आपको हमारे घूमने की वीडियो सारे हमारे जितने भी हम घूमने जा रहे हैं, जैसे हम कहीं पे भी जा रहे हैं तो उससे हम चाहते हैं कि आपको उस जगह का हम एटमोसफेयर महसूस कराएं कि हम वहाँ पे कैसा फील कर रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कैसे पी रहे हैं, कैसे हम चकना बना रहे हैं, क्या सोर्सेज अवेलेबल हैं। बिल्कुल सही कह रहा है राहुल, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इससे ज़्यादा मैं और कुछ कहूँगा नहीं, सब कुछ राहुल ने कह दिया है। बिल्कुल भाई ने दिल खोल के हर चीज़ बढ़िया से बताई है। अगेन डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव एंड ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली। और चलिए लाइव दो लाइन की तरफ से, चीयर्स।